क्या हाल है भाई सबके। तो भाई मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा, मैंने कोशिश करी थी पर मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था तो मैं ये भी नहीं कर पाया ढंग से। और मैंने इतना मैं आई रिस्पेक्ट टेडेक्स अलॉट एंड आई लव यू गाइज अलॉट, तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके आऊँ। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई पूरी इंग्लिश में, बट वो मैं इतना बेवकूफ़ हूँ मुझे वो याद नहीं हो पा रही अब। तो अब मैं आप लोगों के ऊपर रिलाय कर रहा हूँ ये पूरी कन्वर्सेशन, एक्चुअली टॉक, बट आई वॉन्ट दिस टू बी लाइक अ कन्वर्सेशन मोर लाइक, ताकि हम दोनों वो ही एक सेम पेज पे आ पाएँ, जो चीज़ आप जानना चाह रहे हैं मैं वो ही बता पाऊँ। और मुझे टेडेक्स की टीम से भी एक टॉपिक मिला है विच इज़ रियलिटी एंड परसेप्शन को लेके चीज़ें हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड प्लीज़ जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ मुझे इंटरप्ट करके जाननी है कि भाई अच्छा इसको एक्सप्लेन करो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो प्लीज़ डू दैट, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आप वो चीज़ करेंगे तो। और लेट्स जंप इनटू दिस रियलिटी एंड परसेप्शन थिंग। सो क्या लगता है कि मतलब हम जो चीज़ देख रहे हैं वो रियल है नहीं है, हमारी जो परसेप्शन है वो ठीक है गलत है, ये कैसे पता चलेगा? हमेशा हो सकता है वो ठीक हो सकता है वो ना ठीक हो। तो ये जो रियलिटी और परसेप्शन वाली कहानी जहाँ तक भी चलती जा रही है, हर आदमी की एवरीवन हैज़ देयर ओन रियलिटी बिकॉज दे हैव देयर ओन परसेप्शन ऑफ थिंग्स। तो किसी के लिए कोई चीज़ बहुत ख़राब है, किसी के लिए कोई चीज़ बहुत बढ़िया है। सम पीपल सफ़र द थिंग्स विच अदर पीपल एस्पायर टू हैव। तो हमारे दुनिया में ये सब चीज़ें अभी तो लड़ाई चली रही है कि भाई क्या सक्सेस है, क्या खुशी है, उसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है। हम सिंपल सी एक चीज़ हमेशा कर सकते हैं कि जब हमें पता है कि हमारा जो परसेप्शन है, लाइक हमारी जो रियलिटी है बेसिकली, उस रियलिटी को हमें ठीक करना है, ठीक है। नाउ वी नो दैट हम जो भी देख रहे हैं दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू, ठीक है। इट हैज़ अदर पेजेस एज वेल विच आर ऑल्सो ट्रू। आई एम नॉट सेइंग कि हम जो देख रहे हैं वो गलत ही है, बट ये है कि अगर वो हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा, वी कैन ऑलवेज चेंज इट, राइट। तो अगर ये लगा लो कि भाई मुझे लग रहा है मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा अब इससे बाहर कैसे निकलना है, ठीक है, इस चीज़ को चेंज कैसे करना है। आई नो दिस दैट आर परसेप्शन इज जस्ट दैट, कि भाई हमारी जो बचपन से बड़े हुए हम आज तक, उसके लिए हमने जो जो चीज़ें देखी हमने ज़िंदगी में, उससे हमने जो भी कैचअप करा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारा दिमाग अब फिलिंग कर रहा है वो ब्लैंक्स की, कि उसका आंसर कैसे हम दे सकते हैं। तो भाई पहले मेरे लिए जो चीज़ बहुत ख़राब थी, अब मेरा दिमाग कोशिश करेगा उससे मुझे भगाने के लिए, उससे बचाने के लिए, बट हमेशा वो केस काम नहीं आ सकता। तो जब हमें पता है कि भाई यही इन्फॉर्मेशन मेरा दिमाग यूज़ कर रहा है जितनी मेरे पास है, उससे ज़्यादा मैं अपने आप को रोक दूंगा आप समझने के लिए, तो इट विल बी अ बिग हैवॉक फॉर माई ब्रेन, कि अब वो कैसे चीज़ों को समझेगा, कैसे डील करेगा सिचुएशन से। तो सबसे पहली चीज़ हम इससे शुरू कर सकते हैं कि हमें ये समझना पड़ेगा हम कितने बेवकूफ़ हैं, और ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं है भाई। और जो इंसान अपने आप को समझदार समझता है, आप कोई भी उठा लो, कितने बड़े से बड़ा डॉक्टर उठा लो, बड़े से बड़ा कोई भी उठा लो, मैं बहुत रिसेंटली एक ऐसे इंसान से भी मिला हूँ जो कि एक इतने ऊंचे लेवल पे है, उसके बावजूद भी उसका दिमाग ऐसा लग रहा था कि अभी अभी बहुत कुछ है अंकल, आपने नहीं देखा हुआ। तो वो चीज़ है कि अपने आप को कभी भी ये मत समझना कि अब तुम्हारे पास सफिशिएंट दिमाग आ चुका है। मेरे साथ ये बहुत बार ही हुआ है ज़िंदगी में, जब मुझे लगा था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट अब हो चुका हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ें अब समझ आ गई है, आई कैन गो इन टू द वर्ल्ड एंड डू एनी थिंग नाउ, आई वॉन्ट बी बॉदर्ड, बट हमेशा चैलेंजेस कुछ नए आ ही जाएंगे। तो कभी भी अपने आप को समझदार मत समझना भाई, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बना के रखना। और जब हमें पता है कि वी कैन ऑलवेज यू नो चेंज आर रियलिटी टू चेंज आर रियलिटी हेलो 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 टू चेंज आर रियलिटी वी नीड टू चेंज आर परसेप्शन, एंड टू चेंज आर परसेप्शन वी नीड टू चेंज आर माइंड, यू नो हमारी थॉट प्रोसेस, उसको हमें चेंज नहीं बल्कि मैन्यूपुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल नो वी कैन नॉट, यू नो वी डोंट हैव आर होल्ड ऑन आर थाट्स, थाट्स हमारे फ्री फ्लो होते हैं तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑलवेज मैन्यूपुलेट देम इन टू अनदर थिंग्स, कि हम और चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो,
हम चीज़ें नई नई समझेंगे तो हमारे दिमाग में वो नई इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी विच विल हेल्प अस टू यू नो गेट ओवर सिचुएशंस अ लिटल क्विकर. कोई वास्ट अलग तरीके की सिचुएशन जो आपने आज तक नहीं देखी, आप उसमें आ जाओगे तो आप उससे कैसे बाहर निकलोगे? आपको कुछ तो इनसाइट चाहिए ना उससे बाहर आने के लिए, तो वो इनसाइट होना ज़रूरी है. हम जब तक ये समझ लो कि अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका है, बट एक टाइम पे मैं भी उस जनरेशन का हूँ जब सोशल मीडिया नहीं था एंड आई वॉज इनफ यंग टू अंडरस्टैंड सम स्टफ. तो तब इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी कि ये मुझे ऐसा लग रहा था सारी दुनिया मेरे पे ही क्यों गिर रही है, सब मेरे साथ ही बुरा हो रहा है या औरों के साथ भी हो रहा है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं. अब तो सोशल मीडिया पर सबके सैड स्टेटस आप देख सकते हो. तो उस समय पर बहुत मुश्किल था वो चीज़ों को समझना, बट आई रियलाइज कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है और बहुत बुरा कुछ हो भी रहा है दुनिया में. वट आई फील इज वर्ल्ड बहुत ही तेज़ी से बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है और लोग पता नहीं अभी भी कैसे ये चीज़ें डाल देते हैं कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया को क्या हो गया, पहले ये था पहले वो था. भाई तुम्हें पता ही नहीं पहले तो क्या हो रहा था. अब जो चीज़ें जितनी पॉजिटिवली सबकी नज़रों के अंदर आके सब तमीज़ से चलने लग गए हैं, कैमरे लग गए रोडों पे. थोड़े दिन पहले देखा था कैसे भगा रहे होते थे गाड़ियाँ, अब कितनी तमीज़ से चलने लग गए लोग. तो अब सब निगरानी में है, तो निगरानी की वजह से बस तुम्हें चीज़ें दिख ज़्यादा रही हैं, समझ रहे हो? अब चलान ज़्यादा कटेंगे लोगों के तो दिख जाएगा ना कि ओहो इतनी तेज़ गाड़ियाँ चल रही है, चल तो पहले भी रही थी भाई, पता ही नहीं चल रहा था. तो बस ये समझो कि दुनिया बहुत ही अच्छे पेस पे, बहुत ही अच्छे तरीके से. कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. क्या करूं इसका, चलाऊं नहीं चलाऊं? तो भाई ये सपोर्ट हमेशा बनाए रखना. आप लोग बहुत डिसेंट लोग हो पुरानी जेनरेशन से, मेरी जेनरेशन से, जहां तक मैंने जितनी अपनी जिंदगी देखी थी, अपना स्कूल अपना कॉलेज जो चीजें मैंने देखी है, हम थोड़े से ज्यादा ही वाइल्ड लोग थे. अब काफी संभल के चीजें चल रही हैं, तो प्लीज़ उसे संभाल के चलिए और इन्वायरमेंट के तरफ ध्यान दीजिए. अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई दिक्कत यहाँ आ रही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं टू अटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट इन आर लाइव्स, यू नो, टू अचीव सक्सेस. व्हाई सक्सेस? बिकॉज वी कैन हैव द कंफर्ट वी नीड, वी कैन हैव द हैप्पीनेस वी वॉन्ट. ठीक है, अब तुम एक बात समझो कि जब हमारी दुनिया अभी मोस्ट कंफर्टेबल जोन में है, ठीक है, इट वॉज नॉट दिस कम्फर्टेबल एवर, दिस इज द मोस्ट कम्फर्टेबल लाइफ वी आर लिविंग राइट नाउ, तो अब जाके सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है? बिकॉज देर आर नो चैलेंजेस टू बेसिक स्टफ नाउ. ठीक है, देर आर नो चैलेंजेस फॉर सर्वाइवल राइट नाउ. पहले सर्वाइवल वॉज द थिंग, अगर आप सर्वाइव कर रहे हो दैट इज इनफ सक्सेस फॉर यू. अब सक्सेस चाहिए कि मुझे वो क्यों नहीं पसंद करता, ठीक है, मुझे उसने गाली दे दी, मुझे इसने ये बोल दिया, मुझे वो हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, अरे भाई मेरा फलाना फलाना ऐसे काम डूब गया. तो भाई ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, हमारी जो पर्सनल लाइफ है ना दैट इज़ नॉट दैट बिग. हमें ये चीज़ को अपने अंदर डालना है. हम जो अपना सोचते हैं कि हम इतने बड़े हैं, हमारी दुनिया इतनी बड़ी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होनी, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, कुछ ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तुम्हारे सामने एक इतना बेवकूफ़ आदमी खड़ा जो अपनी खुद की लिखी हुई स्क्रिप्ट याद नहीं कर पाया, तुम्हें लेक्चर दे रहा है, समझ रहे हो? तो सब पॉसिबल है यहाँ पे करना. ठीक है, तो अब उस चीज़ को समझ के आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को कितना भी खोल सकते हो. जब आप ये समझोगे कि हम असलियत में क्या हैं, ठीक है, अपनी असलियत भूल जाता आदमी, अपने आप को इतना बड़ा बना लेता है, अपने परसेप्शन को इतना बड़ा बना लेता है और फिर सेल्फ पिटी में रोता रहता है. अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है भाई? मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ अपने मिरर से, ठीक है. अब मेरा दिमाग वो हमेशा चीज़ें फिल्टर आउट करता रहेगा मुझे बचाने के लिए. तो मेरे दिमाग में मैं तो सब ठीक कर रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ठीक है, बट उसके बावजूद भी मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता ना, बिकॉज सबकी रियलिटी अलग है, सबका परसेप्शन अलग है. तो सबका परसेप्शन में किसी का परसेप्शन तो ऐसा होगा कि ये तो मेरे को इसकी शक्ल ही नहीं पसंद. तो ये चीज़ें होंगी, मैं हर किसी को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता. तो अब मुझे तो लग रहा है कि मैं तो सबको खुश करना चाह रहा हूँ यार,
ये मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहा है, उसको नहीं पसंद भाई तेरी शक्ल, ठीक है, उसको नहीं समझ आ रही तेरी बातें, तो क्या ये चेने वेने पहन के यहाँ ड्रामा कर रहा है, नहीं समझ आ रहा किसी को, तो भाई मैं थोड़ी क्वेश्चन कर सकता हूँ उसको। अब मैं ऑफेंड हो जाऊँ इस बात पे कि भाई नहीं मुझे तो नहीं समझ आया, मैं तो इतना अच्छा था, ये वो, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, लोग डिजर्व नहीं करते मुझे, ये है वो है, तो ये बहुत गलत बात है। इसकी वजह से हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा सफ़र करती है कि भाई हम अपने आप को तो समझ लेते हैं कि हम बहुत टॉप ची हैं, कि भाई हम बहुत बड़ी चीज़ हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरे वाले जब वो चीज़ें करते हैं तो हमें समझ नहीं आती, और जबकि बेशक से तुम कह लो कि दूसरे का परसेप्शन ख़राब है, बट अल्टीमेटली तो हो ये रहा है ना कि यू के नॉट अंडरस्टैंड हिज परसेप्शन एंड यू के नॉट सेटिस्फाई देम, तो तुमने ही तो अल्टीमेटली उसको वो करा है, वहाँ पे लाए हो उस पोजीशन पे आपको हेट करने की, तो इट इज़ यू, तो ओन दैट ना कि यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। आप अभी भी किसी को ऑफेंड कर रहे हो, अभी भी किसी के साथ किसी के मन में ऐसे विचार डाल रहे हो कि जो गलत है, ठीक है, तो ओन दैट। अपना यूँ मत सोचो कि भाई हम तो बहुत ही बढ़िया इंसान है और मैं तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, तो लोग मेरे साथ बुरा ना करें, तुम्हारे साथ बुरा हमेशा होता रहेगा, ठीक है, और इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर तुम्हारे साथ बुरा नहीं हुआ ना कभी भी, तुम इतने बेवकूफ़ बन के रह जाओगे, तुम कुछ ही नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। मैं जो इतनी बड़बड़ा लेता हूँ आजकल बातें, ये सिर्फ इतनी वजह है कि भाई मुझे पता था मैंने जो जो चीज़ें झेली अपनी ज़िंदगी में, मेरे को उनके सॉल्यूशन निकालने पड़े, बिकॉज देर वॉज नो अदर ऑप्शन फॉर मी। वो सॉल्यूशन निकले, उस सॉल्यूशन से मुझे चीज़ें समझ में आई, अब मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं उन चीज़ों को टैकल खुद से कर सकता हूँ, और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती YouTube पे सर्च करने की कि हाउ टू बी हैप्पी, ठीक है। तो बस इतनी सी ही बात है भाई, अपने परसेप्शन को प्लीज़ दबा के रखो, ठीक है, अपनी गलतियाँ ढूंढने की कोशिश करा करो, बजाय कि अपने आप को बेचारा बनाने के। हमारा दिमाग बहुत आसानी से खुद को बेचारा साबित कर देता है कि भाई हम तो बहुत ही बेचारे इंसान हैं, और मैं भी करना चाहूँ अगर इस तरीके से चीज़ें, तो मैं अभी भी आप लोग बहुत इज्जत करते हैं मेरी बहुत ज़्यादा और इज्जत करने लग जाएंगे अगर मैं इस तरीके की चीज़ें करने लग गया कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ, तो भाई क्यों करना है ऐसा। मैं कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करता अपने आप को कि यार मैंने तो ये इतना अच्छा करा था, और मैंने तो वो भी इतना अच्छा करा था, मैंने तो उस आदमी का इतना भला करा है, पता ही नहीं आधी स्टोरियाँ मेरी किसी को, ठीक है, ना कभी पता चलने वाली, ना मैं किसी को बताने वाला, क्योंकि मैं चांस नहीं ले सकता, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैंने अपना वो देख लिया कि ओ मेरी तो इतनी इज्जत हो रही है, फिर मेरा अपना दिमाग खुद ख़राब हो जाएगा। तो भाई अपने दिमाग को प्लीज़ ज़मीन पर रखो, प्लीज़ ज़्यादा दूर मत लेकर जाओ उसको कि हम तो बहुत ही बढ़िया इंसान है और ये है वो है। और अब प्लीज़ आप लोग कुछ भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी मैंने कोई ऐसी बात बोली हो या कुछ भी आपको एलैबोरेटेड जानना हो, कुछ भी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अरे अब क्या करूँ, जो पूछो ना, कुछ तो पूछो, एनीथिंग। मुझे पता है थोड़ा सा अजीब लगता है कि दोस्त वोस्त बैठे हैं, मैं क्यों बेइज्जती कर रहा हूँ। हाँ भाई। मतलब एक इंसान की जब पर्सनैलिटी की बात आई गई तो नेवर फिर कहोगे श्लोक ही सुनाता रहेगा, भाई भूल जाओ मैं सिंगर हूँ, ठीक है, मैं अभी कोई गाने वाने नहीं गाए, बस ये सोचो कोई एक इंसान खड़ा जिससे तुम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आंसर मिला तो बहुत बढ़िया। तो भाई पर्सनैलिटी की जहाँ तक बात आ रही है, नेवर आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज वन पर्सनैलिटी, दैट इज़ अ वेरी 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 बिग एंड अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू, क्योंकि आप अपने आप को इस तरीके से लिमिट कर लेते हो कि मैं तो यही हूँ, ठीक है, ये चीज़ें भाई मैं ओन कर ली तो वो मेरी हो गई, अब मुझे ये पसंद है और ये नहीं पसंद, मैं ये करता हूँ ये नहीं करता, एक पूरी दुनिया छोड़ दी तुमने पीछे, ठीक है। तो मेरी ये जो विलन वाली पर्सनैलिटी है मेरी, भाई बहुत स्वीट होने वाली पर्सनैलिटी है मेरी, बहुत आउटगोइंग, बहुत शाय, सारी चीज़ें हैं, खुश दुख ये वो सब जो भी चीज़ें हैं, मैंने कुछ भी अपने तक रोक के नहीं रखा हुआ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जहाँ पे मुझे ज़रूरत है एक सर्टन तरीके का आदमी बनने की, मैं वहाँ पे वैसा बन जाऊँगा, जहाँ पे मुझे उस तरीके का आदमी बनना है मुझे वैसा बनना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि मैं इतना विद्वान हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि सामने वाला कंफर्टेबल हो, अगर सामने वाला कंफर्टेबल होगा वही तो मेरी सबसे बड़ी जीत हुई ना, कि
अब हम अपने हिसाब से चलने लग जाते हैं। हेलो हेलो, तो भाई अपने हिसाब से चलेंगे कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं यही करूँगा। तो उसके बाद ये देखो, अब इतनी सारी और दुनिया जिनकी सोच बिल्कुल अलग है, तुम उनको कैसे बात करोगे भाई, उनसे तुम कितने साइडलाइन हो जाओगे। तुम अपने आप को खोल के रखो ना, अपने आप को दबा के मत रखो कि मैं तो सिर्फ ये हूँ। डोंट बी टू कंफर्टेबल, जो वो बात कर रहा था मैं अभी, दिस इज अ टू कंफर्टेबल स्पेस फॉर अस टू लिव इन। इसकी वजह से प्रॉब्लम इसी वजह से ही आ रही है कि हम अपना कंफर्ट नहीं छोड़ पा रहे। हम अपना कंफर्ट छोड़ेंगे तभी तो हम लग्जरी फील कर पाएंगे। व्हेन यू फील लाइक कि भाई मुझे ये इस चीज़ की ज़रूरत है, जब वो नीड ही बन गई तो वो लग्जरी थोड़ी रह जाएगा। ठीक है, टू फील द लग्जरी यू नीड टू अंडरस्टैंड ना, यू यू डोंट एक्चुअली नीड इट बट यू स्टिल हैव इट, देन यू विल फील द लग्जरी। तो डोंट फील द नीड ऑफ थिंग्स, अपनी इच्छाएं मत बनाओ उनको कि ये तो मुझे चाहिए, BMW तो चाहिए, वो जब मिल जाएगी कोई मज़ा नहीं आने वाला। जब तुम ये देखोगे ना, BMW तो नहीं चाहिए मुझे बट वो मिल रही है मुझे, तब वो फील आएगी लग्जरी की। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉप एस्पायरिंग फॉर स्टफ, एस्पायर फॉर द राइट थिंग्स नॉट द रॉन्ग वंस, राइट? प्लीज, और कोई क्वेश्चंस? सॉरी भाई मैंने विलन वाला नहीं किया, बट यस। सर, यस यस मैम। सर, अरे वाह, हाँ जी सर, जो आपके गाने होते हैं वो ज़्यादातर सोशल मैसेज थोड़े होते हैं, लाइक थोड़े हार्ट ब्रेक्स होते हैं, तो ये आप जब आप गाना लिखते हैं तो इट इज़ लाइक कि आप सोचते हैं मेरे को इस टॉपिक पे गाना बनाना है, और वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे गाने होते हैं? यार दोनों होते हैं, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है और ये चीज़ भी होती है कि मैं उससे बताना क्या चाह रहा हूँ अब, तो वो दोनों चीज़ों को साथ में रख के एक चीज़ बनाई जाती है कि भाई ठीक है ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब मेरा एक्सपीरियंस एक रात उठाओगे तो इट वॉज़ नॉट लाइक दिस, इट वॉज़ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस, एंड इट वॉज़ नॉट अ रिलेशनशिप ब्रेकअप वाला स्टफ़, इट वॉज़ अ वेरी डार्क थिंग विच हैपन्ड, एंड इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर विच इट डिड हैपन। तो एक रात का वो पूरा मैंने इसलिए बनाया था कि वो जो मैंने चीज़ इतने लंबे टाइम तक झेली, इतने लंबे टाइम तक आई वॉज क्लिनिकली डिप्रेस्ड एंड स्टफ़ लाइक दैट, तो वो सारी चीज़ों से जब मैं निकला इतना समय बर्बाद करके, तो मैंने रियलाइज़ करा कि ये बहुत जल्दी और बहुत ईजीली भी करा जा सकता था, जस्ट बिकॉज़ मैं अपने दिमाग पे इतना हावी हो रखा था कि नहीं मैं बेचारा हूँ और मेरे साथ गलत हो रहा है और ये दुनिया ख़राब है और मैं बहुत बढ़िया हूँ, इसकी वजह से आई वॉज स्टक देयर इन द मोमेंट। तो उसके लिए वो परसेप्शन उठा के फिर मैंने सोचा ये दुनिया को किस तरीके से प्रेजेंट करा जाए, तो मैंने एक रात बनाया कि एक रात में भी जब ये चीज़ हो सकती है तो क्यों आप 6 महीने, साल, 1.5 साल। तो इस तरीके से बनाता हूँ मैं गाने।